इंडियन सीजन 12 के आने वाले एपिसोड में आप सभी दर्शकों को टॉप 6 कंटेस्टेंट मिल जाएंगे। टॉप 6 कंटेस्टेंट मिल जाएंगे जिन्होंने पूरी तरह से अपनी मेहनत, अपने कड़े परिश्रम के बलबूते यहां तक इंडियन आइडल सीजन 12 के इस पड़ाव तक अपना सफर उन्होंने तय किया। उन नामों के बारे में खुलासा कर देंगे शो के होस्ट आदित्य नारायण। 8 कंटेस्टेंट बचे हैं, दो कंटेस्टेंट का एलिमिनेशन होगा, 6 कंटेस्टेंट बच जाएंगे। आइए आप सभी दर्शकों को बताते हैं उन नामों के बारे में। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया है तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। इंडियन आइडल सीजन 12 के आने वाले एपिसोड में आप सभी दर्शक ये देखने वाले हैं कि आदित्य नारायण, जो कि शो के होस्ट हैं, एक बहुत बड़ा प्रैंक करने वाले हैं और पवनदीप राजन को ये बोलते हुए नजर आएंगे कि आपको सबसे कम वोट मिले हैं, आप एलिमिनेट होते हैं इंडियन आइडल सीजन 12 के मंच से। इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है, ये एक छोटा सा प्रैंक है। इसके बाद दो ऐसे कंटेस्टेंट के नाम के बारे में खुलासा करेंगे जिनको सबसे कम वोट मिला है। बीते एपिसोड में कोई भी एलिमिनेशन नहीं हुआ था, इसी की वजह से इस हफ्ते डबल इविक्शन होने वाला है। दो कंटेस्टेंट एलिमिनेट होंगे इंडियन आइडल सीजन 12 के मंच को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चल जाएंगे। इसके बाद टॉप 6 कंटेस्टेंट आप सभी दर्शकों को मिल जाएंगे। उनमें छठवें नंबर पर नाम आता है सयाली का। सयाली जो है, इनकी वॉइस जो है काफ़ी मधुर है, काफ़ी मीठी होने के साथ साथ ये पूरी तरह से तैयार है इनकी आवाज़ प्लेबैक करने के लिए और ऑडियंस भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसी वजह से टॉप 6 में जगह बनाने में पूरी तरह से कामयाब हो गई। साथ ही साथ पांचवें नंबर की हम बात करें तो पांचवें नंबर पर आशीष कुलकर्णी का नाम आता है। आशीष कुलकर्णी भी काफ़ी टैलेंटेड हैं। काफ़ी टैलेंटेड होने के साथ साथ इनकी आवाज़ भी एक अलग तरीके का नशा पैदा करती है और ऑडियंस को ये भी भा रही है। चौथे नंबर की हम बात करें तो चौथे नंबर पर आते हैं बहुत सारे कंटेस्टेंट के बीच में कंपटीशन था और उन कंपटीशंस में आगे निकल चुके हैं। चौथे नंबर की बात करें, निहाल तारो। जी हाँ दोस्तों, निहाल तारो ने बीते एपिसोड में भी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दिया था और आने वाले एपिसोड में भी शानदार परफॉर्मेंस करने वाले हैं, अपनी शानदार इमोशनल भरी साइट्स को दिखाकर। और इसी वजह से इनके अंदाज को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया और इसी वजह से चौथे नंबर पर निहाल तारो हैं। तीसरे नंबर की हम बात करें तो तीसरे नंबर पर सवई भट्ट हैं, जो कि इंडियन क्लासिकल सिंगर हैं और इंडियन क्लासिकल सिंगर होने के चलते इन्होंने भी टॉप 3 में जगह बनाने में पूरी तरह से कामयाबी हासिल की है। दूसरे नंबर की बात करें तो ऑब्वियसली आती हैं अरुणिता कांचीलाल। अरुणिता कांचीलाल को काफ़ी पसंद किया जा रहा है और नंबर 1 की हम बात करें तो पवनदीप राजन है। तो ये कुछ कंटेस्टेंट हैं जो कि टॉप 6 में जगह बनाने में पूरी तरह से कामयाब होंगे और बॉटम 2 कंटेस्टेंट की हम बात करें तो बॉटम 2 पर जो होने वाले हैं वो होने वाले हैं शनमुखप्रिया और मोहम्मद दानिश। जी हाँ, शनमुखप्रिया और मोहम्मद दानिश, हो सकता है कि इन दोनों का इविक्शन हो जाए या फिर हो ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों में से किसी एक का इविक्शन तो होना तो बिल्कुल तय है। अब देखना होगा कि किसका इविक्शन होता है, क्या दोनों का इविक्शन होता है या फिर किसी और तरीके का इविक्शन होता है, ये देखने वाली बात है। आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही।